अस्सलाम वालेकुम, आफ्ताब इकबाल फ्राम कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर बैरियटन कराची। देखने वाले और सुनने वालों को आफ्ताब इकबाल का सलाम पहुँचे। बहुत सारे हमारे क्लाइंट एग्जिस्टिंग और जो नए हमारे क्लाइंट जो हमारी वीडियो देखते हैं, जो हमारी चीज़ें देख रहे होते हैं, वो हमसे क्वेश्चन करते हैं कि बीटी के स्मार्ट विलेज के बारे में हमें कुछ डिटेल के अंदर बताएं। जैसे कि आपको पता है कि हमने रिसेंटली एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। पहले हम काम कर रहे थे हाई राइज के अंदर, हम अपने कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट डिलीवर कर रहे थे अपनी ऑडियंस को, लेकिन अभी आप जोर फरमाइश के ऊपर हमने ये नया प्रोजेक्ट लेके आए हैं विलाज का। इंस्टॉलमेंट के ऊपर हम विला बना के दे रहे हैं बैरियटन कराची के अंदर। जब बैरियटन कराची स्टार्ट हुआ तो उस टाइम बैरियटन ने प्रीसेंट 19 के अंदर टावर दिए, प्रीसेंट 2 के अंदर अपने विलाज बना के दिए इंस्टॉलमेंट के ऊपर, प्रीसेंट 10 के ऊपर, प्रीसेंट 31 के अंदर, प्रीसेंट 11 के अंदर, और स्पोर्ट सिटी विला और पैराडाइज विला, ये मुख्तलिफ विलाज हैं जो बैरियटन ने आपको कंस्ट्रक्ट करके दिए। उसके बाद आपके 2014 के बाद अभी तक आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था कि आप विलाज इंस्टॉलमेंट के ऊपर ले सकें। कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर आपको पता है जैसे कि सोल्यूशन प्रोवाइडिंग कंपनी है, लोगों की ज़रूरत के ऊपर काम करती है। पहले भी हमने जितने प्रोजेक्ट लॉन्च किए वो भी हमने लोगों की डिमांड को देखते और लोगों की ज़रूरत को देखते हुए लॉन्च किया, और जो विला का कंसेप्ट है ये भी लोगों की परजोर फरमाइश के ऊपर कि हमें कोई ग्राउंड की चीज़ चाहिए, उनकी फरमाइश के ऊपर हमने ये डिज़ाइन किए। कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर की जो रिसर्च की टीम है, उन्होंने रिसर्च की कि कौन सी लोकेशन के ऊपर हम अच्छी हाउसिंग दे सकते हैं रहने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि जहाँ इंसान का घर होता है, इंसान की कोशिश होती है कि बहुत सारी सहूलियत इसके नज़दीक हो, इसके नज़दीक पार्क हो, मस्जिद हो, या जितनी भी सहूलियत की चीज़ें हैं गैलरी वगैरह परचेजिंग वाली भी उसकी नज़दीक हो, और ये कि हाइड्रेड लोकेशन के ऊपर हो ताकि हवादार उनके रूम हो, हवादार घर हो। ये सारी रिसर्च के बाद कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर की टीम ने रिपोर्ट दी कि प्रीसेंट 15 के अंदर जो हाइड्रेड लोकेशन है उसके ऊपर हमें ये डिज़ाइन करना चाहिए। उसके बाद कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर की कंस्ट्रक्शन की टीम है, उन्होंने सारी लोकेशन विजिट की, इसकी सराउंडिंग चेक की, और आखिरकार हमने ये डिसाइड किया कि हम इंस्टॉलमेंट के ऊपर विला लॉन्च करने जा रहे हैं। स्मार्ट विलेज के नाम से हमने प्रोजेक्ट का नाम रखा, फिर हमने विलाज दिए बैरियटन कराची के अंदर, जो ग्रैंड जामिया मस्जिद बन रही है मलिक रियाज के नाम से, उसके अपोजिट साइड के ऊपर प्रीसेंट 15 है, उसकी हाइट लोकेशन के ऊपर। मैं अगर आपको इसकी अमेनिटीज़ बताऊँ, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट होता है वो अपनी अमेनिटीज़ के हिसाब से या सहूलियत के हिसाब से लोगों को पसंद आता है। बहुत सारे लोग सबसे पहले अपना जब रहने के लिए ऑप्शन देखते हैं तो इन चीज़ों के बारे में बहुत क्वेश्चन करते हैं। बहुत सारी हमने इसके अंदर फैसिलिटीज़ दी, जो आपको स्क्रीनशॉट के ऊपर इसकी सारी फुटेज नज़र भी आ रही होगी कि क्या क्या हमने इसके अंदर फैसिलिटीज़ रखी, अमेनिटीज़ रखी, और इसके बाद हमने जो इसकी लोकेशन को बहुत मद्देनज़र रखा। बहुत सारी अभी बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह तेज़ी के साथ इसके अंदर बुकिंग भी जारी है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो हमसे क्वेश्चन करते हैं कि इसकी सराउंडिंग के अंदर जो प्रीसेंट्स हैं उसके अंदर हमें कम रेट के अंदर अपना विला मिल रहा है। मैं आपको बताता चलूँ, एक तो वो विला आपको वन शॉट पेमेंट के ऊपर मिलेगा, इसके अपोजिट कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर आपको विला दे रही है इंस्टॉलमेंट के ऊपर, और उधर अगर आपको विला मिल रहा है वो आपको सिंगल विला मिल रहा है, उसके अंदर ना आपको कम्युनिटी हॉल मिलेगा, ना पार्क मिलेगी, ना मस्जिद मिलेगी नज़दीक। लेकिन जो हमारे विलाज हैं इसके अंदर हम आपको इंस्टीट्यूट जून देने जा रहे हैं, मस्जिद देने जा रहे हैं, पार्क देने जा रहे हैं, आपको कम्युनिटी हॉल देने जा रहे हैं, क्योंकि इसके जितने भी लोग हैं उनको इसकी सहूलियत दी जाएगी और उनको मेम्बरशिप इसकी फ्री दी जाएगी। ज़्यादातर ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो इसके अंदर बुकिंग करवाना चाह रहे हैं, वो हमसे क्यूरी पूछते हैं, और ख़ास तौर पर जो बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी ईद के ऊपर छुट्टियां गुजारने के लिए पाकिस्तान आए हैं, उनको दावत दूंगा वो एक दफ़ा आके बैरियटन कराची को विज़िट करें। मैं ये बात आपको दावत से कह सकता हूं कि पूरे एशिया के अंदर बैरियटन कराची से ज़्यादा डेवलप सोसाइटी नहीं आपको मिलेगी। मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक जितनी डिवेलपमेंट इस बैरियटन कराची के अंदर हुई है, आपको ना तो किसी कराची की किसी सोसाइटी में और ऐसी डेवलपमेंट मिलेगी, ना ही आपको पूरे पाकिस्तान के अंदर ऐसी डेवलपमेंट मिलेगी। अगर आप बैरियटन कराची के बारे में आपका कोई क्वेश्चन हो, या पाकिस्तान की रियल एस्टेट के बारे में आपको क्वेश्चन हो, या आप हमारे किसी भी प्रोजेक्ट रेजिडेंशियल या कमर्शियल के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ये खास वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको जो नया प्रोजेक्ट बीटी के स्मार्ट विलेज है उसकी अपडेट देनी थी और उसकी सहूलियत के बारे में बताना था कि अगर आप उसके अंदर बुकिंग करवाते हैं 25 लाख रुपये डाउन पेमेंट है, बाकी आपका 3 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान है। ये जैसे मैं आपको स्टार्ट में बता चुका हूँ कि ये 10 साल के बाद बैरियटन कराची के अंदर ऑप्शन आया कि आप इंस्टॉलमेंट के ऊपर अपना विला बुक करवा सकते हैं। अगर आप भी बैरियटन कराची के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं या इस विले के अंदर इंटरेस्टेड हैं, आप हमारा ऑफिस भी विज़िट कर सकते हैं। टेक मॉल की लोकेशन हमारी मलिक स्क्वायर की लोकेशन के ऊपर हमारा हेड ऑफिस है, आप उसको विजिट करें या दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। इस विला के अंदर जैसे मैंने आपको मुख्तलिफ सहूलियत बताई, इसके अंदर सोलो सिस्टम भी है, कम्युनिटी हॉल भी है, इसमें को वर्किंग स्पेस भी है, इसमें एम्बुलेंस की सहूलत भी हम दे रहे हैं, शटल सर्विस की सहूलत भी दे रहे हैं, मुख्तलिफ सहूलियात हैं, वो सारी आपको जितनी भी लिस्ट है आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही होगी। और अगर आप इन विलाज को बुक करवाना चाहते हैं आप हमसे रब्ता कर सकते हैं।
नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।